नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ी और अहम खबर शेयर करेंगे और क्रिकेट की अब तक की सबसे बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करेंगे। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में वापसी हो चुकी है। उनकी वापसी के बाद शाहिद अफरीदी, जिनको लाला और बुम बुम के नाम से भी दुनिया जानती है, उनका एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। ख़वातीन हज़रात, मोहम्मद आमिर के मुतालिक लाला का क्या कहना था, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है, इसको आखिर तक लाजमी देखते रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, आपको बताता चलूँ कि लाला यानी कि शाहिद अफरीदी का ये कहना था कि मोहम्मद आमिर की आज से 2 या 3 साल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में वापसी हो जाती तो पाकिस्तान को आज क्रिकेट की दुनिया में इतना नुकसान नहीं होना था जितना कि अब तक हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, उनका यह भी कहना था कि एक मेरा दामाद यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और हारस रऊफ पाकिस्तान के मायानास बॉलर हैं। अगर इन मायानास बॉलर को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो दुनिया में इन जैसे बॉलर नहीं मिलते।